नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं। होप सो ये वीडियो आपको बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगी जब आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम दिए हुए नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फाइंड आउट करना किसी भी नंबर का स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी नंबर को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर करना है किसी नंबर का, तो आप स्क्वायर का मतलब वर्ग। अगर आप किसी चीज का वर्ग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वैसे वर्ग का मतलब होता है कि आप उसी संख्या में उसी संख्या की एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो प्राप्त आंसर होगा वो चार होगा। यानी उसी नंबर की मल्टीप्लाई फिर से करने पर उसी नंबर से जो प्राप्त संख्या होती है वह वर्ग होता है। तो इसी तथ्य को आगे बढ़ाएंगे, इन्हीं बातों को हम आगे जानेंगे और जानेंगे हम किस तरह से दी हुई संख्याओं का वर्ग फाइंड आउट कर सकते हैं। इनिशियली हमें पता होता है कि हमें एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का, पाँच का, छः का, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, इनका वर्ग हम फाइंड आउट कर लो। आपको पता है फ्रेंड्स के एक इंटू एट इज इक्वल टू एक, तो दो गुणा दो चार, तीन गुणा तीन नौ, और ऐसे करते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि सब आपको जानते होंगे और हमें पता भी है कि हम ये स्क्वायर आसानी से याद भी कर सकते हैं। ट्वेंटी तक स्क्वायर हम आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन हम समस्या आती है कि उसके बाद के स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके बाद के स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, जिसके थ्रू आप जानेंगे कि कितनी आसानी से सिर्फ दो सेकंड में किसी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमने हर एक नंबर को तीन कैटेगरी में बांटा। वर्ग अगर फाइंड आउट कर रहे हैं आप किसी का, तो मैंने इसको तीन भागों में बांटा। पहला भाग जिसमें वो नंबर जो जीरो पर समाप्त होते हैं, दूसरा जो पांच पर समाप्त होते हैं, और तीसरी कैटेगरी जो जीरो पर पांच को छोड़कर किसी अन्य नंबर पर समाप्त हो। या ऐसा कह सकते हैं कि इसका इकाई का अंक जीरो हो वो नंबर, इकाई का अंक पांच हो वो नंबर, या फिर जीरो और पांच को छोड़कर इकाई के अंक पर कोई भी नंबर हो, वो एक भी हो सकता है, वो दो भी, तीन, चार, छः, सात, आठ, नौ, इनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि कितनी आसानी से हम किसी भी दिए हुए नंबर का वर्ग कर सकते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि जीरो से समाप्त होने वाले जैसे दस का वर्ग, सौ का वर्ग, दो सौ का वर्ग, एक हजार का वर्ग, ये कंडीशन आ रही है यहाँ पर, पंद्रह का वर्ग, पच्चीस का वर्ग, पचपन का वर्ग, पचानवे का वर्ग, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। या फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों को छोड़कर जो संख्याएं बची हैं, आपको इक्कीस का निकालना है, आपको इकतीस का निकालना है, आपको उनतालीस का निकालना है, आपको फोर्टी टू का वर्ग निकालना है, आपको एट्टी सेवन का वर्ग निकालना है, इन सभी को। और फ्रेंड्स, हम जानते हैं, इतना पढ़ चुके हैं सभी लोग, इसका वर्ग अगर मैं इकाई की बात करते हैं, तो किसी भी अंक का अगर इकाई का अंक शून्य है, तो हम क्या करते हैं, हम जितने भी शून्य यहाँ पर गिविन है उनको हम डबल कर देते हैं। चलिए हम सीखते हैं कि हम कैसे तीनों भाग में किसी नंबर का वर्ग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहला पोर्शन ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा पहला वीडियो थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ समय थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी नए सीखने वाले हैं, वो हर चीज़ को अच्छे से सीख रहे हैं। तो वर्ग अगर फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक जीरो है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे दस, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले नंबर का स्क्वायर करना है और इनको डबल कर देना है, दो जीरो। आपको निकालना है हंड्रेड का वर्ग, तो हंड्रेड का वर्ग निकालने के लिए क्या करना है, जो जीरो को छोड़ के नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, वन का स्क्वायर वन, और दो जीरो है इनको डबल कर दीजिए, दो जीरो का कितने जीरो हुए,
चार जीरो, आपको 200 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे, दो का वर्ग चार और दो जीरो है, इनको डबल कर दीजिए तो चार जीरो, फोर टाइम जीरो, ये इनके वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं अगर उनकी प्लेस पर जीरो है। उसके बाद आप चाहते हैं 1000 का वर्ग निकालना, तो कुछ नहीं करना, एक का वर्ग एक और तीन का जीरो, डबल कितना होता है छः जीरो, तो आप आसानी से दिए हुए नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं, स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर जीरो है। तो हमने सीखा हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जिनके इकाई के अंक में 5 है उनका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक 5 का मतलब अगर आप ये संख्या लिखते हैं 15 का वर्ग, तो देखिए दोस्तों हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें इस 15 को उस तरह से लिख लेना है, ये निचले मैं सिखा रहा हूँ आपको क्योंकि आपके लिए नया है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस आपको हो जाएगी आप आसानी से बिना लिखे कर पाएंगे। तो आपको जो भी नंबर दिया है उसका वर्ग करेंगे, यानी आपकी यूनिट में 5 है तो 5 का वर्ग कीजिए, ये होता है 25, और इससे एक आगे की संख्या जो भी है, इसके आगे की संख्या कौन सी है, एक से आगे कौन सा आता है 2, तो आप 2 लिख देंगे और इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 × 2 = 2, तो यहाँ लिख दीजिए 225 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लंबा प्रोसेस है, तो हमने क्या काम करा, हम 35 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 से अगर की संख्या 4, दोनों की मल्टीप्लाई 12, ये देखिए कितना आसान है, आप 45 का वर्ग निकाल सकते हैं, तो 45 का वर्ग क्या हुआ, देखिए 25 और 5, 4 से आगे कौन सा आता है नंबर 5, तो 4 से आगे कौन सा है 5, तो 5 किया तो 4 और 5 20, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको और भी निकालने हैं, सपोज आपको निकालना है 105 का वर्ग, तो देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 10 से आगे क्या आता है 11, 11 10 त्रिकोण की तो क्या हो जाएगा 11 दहाई 110, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से जिनके इकाई के अंक में 5 है हम उनका वर्ग फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी आपने सीखा। अब हम बात करेंगे उन जगह पर वर्ग निकालने की जहां पर ना तो इकाई के अंक पर 0 है और ना ही 5 है, तो देखते हैं वो नंबर जिनके इकाई के अंक पर 0 और 5 को छोड़कर कोई अन्य संख्याएं होती हैं। जैसे मुझे 21 का वर्ग फाइंड आउट करना है, तो देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रिक है जो किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को आसानी सॉल्व कर पाएगी, और आपके पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं लेकिन एक यूनिक ट्रिक है जो हर जगह कामयाब है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको इक्कीस का वर्ग फाइंड आउट करना है, आपने इक्कीस को ऐसे लिख लिया है, तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या का हमें वर्ग निकालना है हमें उस संख्या के नियरेस्ट कौन सी ऐसी संख्या जो 0 होगी, जैसे 21 के नियरेस्ट कौन सी संख्या पड़ती है 20 पड़ती है, समझ लीजिएगा एक बार, हमें जो भी संख्या गिवन इसका वर्ग हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, उसके नियरेस्ट देखेंगे कि कौन सी संख्या 0 के पास है, तो देखा 20 है, ठीक है हमने देखा है 20 है, तो इस 20 को करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 21 को 20 बनाएंगे, तो 21 को 20 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसमें से एक माइनस करना होगा तो 20 बन जाएगा, तो हम जो भी हुआ यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद जितना हमने माइनस किया है उतना ही हम प्लस कर देंगे, तो यहां पर क्या आया 22 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जो संख्या देखो यहाँ इतना जोड़ा है उतना ही घटाया है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 9 की मल्टीप्लाई, यानी स्क्वायर 1, और इस 0 को छोड़ देंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 × 44 ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक और नंबर लेते हैं जिससे इसका हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज हमने कोई नंबर दूसरा लिया, हम निकालना चाहते हैं 22 का स्क्वायर, तो अभी छोटे नंबर में इसलिए ले रहा हूँ कि आप आसानी से समझ लें, तो 22 को करने के लिए मैंने 22 को ऐसे लिखा, 22 के पास 20 आता है तो 0 बनाने के लिए 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उतना ही जोड़ना पड़ेगा, 22 में से 2 घटा 20, 22 में 2 जोड़ा तो 24, तो इसका कितना होता है 2 × 2 = 4 और 24 × 2 = 48, इसका स्क्वायर हो गया। सपोज आप निकालना चाहते हैं 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिए 28 आपने लिखा, 28 किसके नियरेस्ट पड़ता है 0 के 30 के, तो उसको 30 बना लीजिए, तो 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने इसमें 2 ऐड कर दिया तो ये 30 बन गया,
जितना जोड़ा उतना ही घटाना है, तो कितना हो गया 26। अब क्या करना है, 2 2 4, 2 2 4, उसके बाद 26 की 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 × 3 = 78। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है, ये छोटे नंबर इसलिए लिए। एक बात यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखें कि जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ेंगे, ऐसे ही जीरो बनाने जितना आप जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले घटा, यहाँ पर जोड़ा, यहाँ पर हमने पहले ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना याद रखिए जितना जोड़ना है उतना ही घटाना है, जितना घटाना है उतना ही जोड़ना है। और आगे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, फॉर एग्जाम्पल आप और भी एग्जाम्पल इससे सॉल्व कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपको 39 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे आप देखिए, थोड़ा फास्ट करेंगे हम, क्योंकि हम सीख चुके हैं पीछे कैसे कैसे निकालना है। तो अगर 39 का देखें तो 39 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 40 1 घटाना पड़ेगा, तो 38, 11 × 1। अब 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 38 में, 4 8 32 का 2 हासिल लगे, 3 4 12 और 3 15, ये आंसर आ गया। स्क्वायर निकाले, आप इससे बड़ी वैल्यू का निकालना चाहते हैं, सपोज आप 82 का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? देखिए बहुत आसान तरीका, सब जगह वही लग रहा है, ना ही हमको कुछ विशेष चीज़ याद करनी है, सिर्फ यही तरीका याद रखना। 82 को बनाना पड़ेगा 80, 80 बनाने के लिए क्या करेंगे, 82 में हम माइनस का 2 करेंगे और प्लस 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 82 में आपने 2 घटाया तो 80, और जितना घटाया उतना जोड़ना है, तो क्या हुआ 84, तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 की मल्टीप्लाई 84 में कर दीजिए, 8 2 32 8 64 और 3 67। देखिए कितनी आसानी से हर एक नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने जाना हम किसी भी दिए हुए नंबर का स्क्वायर, चाहे वो कोई भी नंबर हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक आसान तरीके से, एक आसान ट्रिक से। तो ऐसे ही हमारी नई वीडियो जो आने वाली है उसमें हम सीखेंगे कि हम किसी भी दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें चैनल पर वो आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।